बॉलीवुड की पैडमैन मूवी में जहां अभिनेता अक्षय कुमार पैडमैन की भूमिका निभाते हुए नजर आए, वहीं रियल लाइफ में भी जयपुर में एक युवक पिछले 2 महीने से महिलाओं को घर घर जाकर सैनिटरी पैड का वितरण करते हुए पैडमैन की भूमिका अदा कर रहा है। जी हां, और वो भी एकदम निःशुल्क। संकट के समय अखिलेश माहेश्वरी अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांट चुके हैं। तो भाई अखिलेश की मुहिम का असर तो देखिए, सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। आखिर कौन है ये पैडमैन अखिलेश, आप भी जानिए। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो घरों के अंदर जो बंद महिला हैं या जो युवतियां हैं उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कारण भी साफ है, उनको समय पर सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं होना। मगर जयपुर में एक ऐसे शख्स हैं जो पैडमैन के रूप में यहाँ पर वो एक अनूठी मुहिम निभा रहे हैं और लगातार घर जाकर के महिलाओं को, युवतियों को, लड़कियों को पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ अखिलेश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो कि पैडमैन है जयपुर के, और उनसे बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, एक अनूठी मुहिम छेड़ी है, लॉकडाउन में क्या स्थितियाँ थी और महिलाओं के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है, और उस मुहिम में आपने अपना एक भूमिका अदा करी और सबको घर घर जा करके सैनिटरी पैड। सर देखिए, जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 20 मार्च के बाद से ही हम लोग प्रिपेयर थे मेंटली कि भाई समस्या बहुत विकराल होने वाली है, लेकिन हम सबका जो ध्यान था वो बेसिकली राशन पे और खाने पे ही था। मीनवाइल जब हम राशन और खाना बांट रहे थे तब बहुत एक कॉमन समस्या निकल के आई, कई सारी महिलाओं ने, बच्चियों ने शेयर किया कि भैया दुकानें सारी बंद है, घर से हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो जो ये सैनिटरी पैड है वो हमें नहीं मिल रहा है। और ये ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुक सकता है, चाहे हर चीज़ हर देश रुक जाएगा लेकिन ये चीज़ महिला की नहीं रुकेगी या बच्चियों की नहीं रुकेगी। तब मैंने निश्चय किया कि भाई राशन और खाने के साथ साथ मुझे इसके बारे में भी सोचना है। तो फॉर्चुनेटली मेरा खुद का बर्थडे 29 अप्रैल को आ रहा था, तब मैंने एक मुहिम चलाई, एक दिन की फंडरेजिंग कैंपेन चलाया ऑनलाइन मीडिया पे, और मैंने 50,000 रुपये के करीबन इकट्ठे किए। उससे मैंने करीबन 20,000 सैनिटरी पैड बांटे, लेकिन जब मैं बांटने के लिए निकला तब पता चला कि ये 20,000 तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आवश्यकता बहुत अधिक है। और फिर मैंने निश्चय किया कि नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए। तभी 28 मई जिसको कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, मैंने एक कैंपेन का अनाउंसमेंट किया है कि 25 तारीख से लेके 31 मई तक 7 दिवसीय हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम 1 लाख के करीबन सैनिटरी पैड बांटेंगे। देखिए, जिसे कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, जब मैंने ये टारगेट सोचा था तब मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे कई साथियों ने कहा कि अखिलेश ये अचीवेबल नहीं है, लेकिन जब मैंने अपना ये जो मैसेज था वो सर्कुलेट किया, लोगों को बताया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर है मनीष मुंदड़ा जी, जिन्होंने कई फेमस फिल्में का प्रोड्यूस किया अपने यहाँ पे, उन्होंने कहीं पे मेरा सोशल मीडिया पे देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने 1 मिनट में 70,000 सैनिटरी पैड का पेमेंट आगे कंपनी को कर दिया, और मुझे वो जो पैड है 70,000 पैड है वो अगले 1 या 2 दिन में मिल जाएंगे और 25 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कितने पैड सब तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके हैं इस लॉकडाउन के भीतर भीतर, क्या समस्या? देखिए, वैसे तो एज लाइक जैसे कि मेरा नाम के आगे पैडमैन ऑफ जयपुर लगाया जाता है, तो उसको चरित्रार्थ करते हुए अभी तक हम लोग 1.5 लाख सैनिटरी पैड बांट चुके हैं। अगर मैं सिर्फ कोविड की इमरजेंसी की बात करूँ इस लॉकडाउन की, तो अभी तक हम 20,000 से 25,000 सैनिटरी पैड बांट चुके हैं। अब अगला जो लक्ष्य है वो 1 लाख पैड का है जो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, एक महिलाओं का दर्द एक महिला ही जान सकती है, मगर हम उन महिलाओं के पास भी जाएंगे कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा समस्या उनको क्या झेलनी पड़ी है, और उसके बाद जब पैड मिला है तो उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी इस लॉकडाउन में। आप बताएंगे क्या नाम है आपका और क्या समस्या झेलनी पड़ रही थी आपको इस लॉकडाउन में? जी सर, मेरा नाम मनीषा सेन है, और हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत मतलब दिक्कत हो रही थी लॉकडाउन के कारण, हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, दुकानें बंद थी, और इस कारण हमारी व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही थी। हमने लोकेश जी सर से निवेदन किया, ममता मैम से निवेदन किया कि मैम हमारी ये परेशानी है और हमारे को मदद चाहिए, लेकिन ममता मैम ने और लोकेश जी सर ने कहा कि बेटा तुमको मदद मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। उसके बावजूद हमारे को ये सहायता दी और घर घर जाके भी सहायता दी, और हम आधी रात को भी आके बोलते थे ना मैम को, तो मैम हमारे लिए आधी रात को भी तैयार रहती। आप बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका प्रजापति। इस कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, ना पेड़ लेके आ पा रहे थे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि अखिलेश सर ने और ममता मैम ने हमारी मदद की, मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये महिला हैं बिल्कुल, और इन महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और एक दर्द होता है महिलाओं का, सबसे बड़ा दर्द होता है, और उन दर्द को जानने के लिए हमारे साथ आप बताएंगे कि जो समस्या थी उसके बाद अब आपको पैड मिला है 1.5 मिनट।
जी मेरा नाम अनिता प्रजापत है। हमें ये सुविधा मिलने पर हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिला है कि हालांकि इस लॉकडाउन की वजह से ना तो हम बाहर जा सकते थे या ऐसी परेशानी हम ना किसी को बता सकते थे। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि घर वाले बोलते थे कि कोई बात नहीं अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे हम कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हालांकि हमें बाहर भी नहीं जाने दिया तो अखिलेश जी सर और ममता मैम ने हमें बहुत इसकी परेशान किया। घर आके हमें ये पेड़ दिए इससे हम बहुत खुशी हो गए। हम बहुत दिल से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैडम ने हमारी इतनी मदद की है। बिल्कुल, अब तक आपने जो पैडमैन का जो नाम सुना होगा, पिक्चरों में सुना होगा, बॉलीवुड पे एक फिल्म भी आई थी, मगर इस बॉलीवुड की तर्ज पर यहाँ पर अखिलेश हैं जो लगातार इस भूमिका को अदा कर रहे हैं और महिलाओं की जो समस्या है उसके निवारण के लिए यहाँ पर घर घर जाकर के सैनिटरी पैड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाकई इनकी जो मुहिम है काबिले तारीफ है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एवन टीवी भी उम्मीद कर रहा है कि जो अखिलेश जी की तर्ज पर यहाँ पर तमाम जो ऐसे लोग हैं जो इस समस्या का अगर कोई है तो वो अखिलेश जी की से की भांति यहाँ पर महिलाओं के दर्द को समझने के लिए आगे आएँ और लगातार जो महिलाएं इन समस्याओं से जूझ रही हैं उनका कहीं ना कहीं मदद करें। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ यादेंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज़ जयपुर।